परवीन बॉबी एक ऐसी अदकारा जिसने पर्दे पर भारतीय अभिनेत्रियों की एक नई छवि पेश की। खूबसूरत, ग्लैमरस, बोल्ड और बिंदास, ये शब्द परवीन बॉबी पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। परवीन बॉबी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खुली विचारों की भी थी। समाज के बनाए बंधनों में बंधकर जिंदगी जीना उन्हें पसंद नहीं था। वो पर्दे पर जिस अंदाज में दिखती थी वैसा ही अंदाज उनका असल जिंदगी में भी था। परवीन बॉबी अपने दौर की सबसे सफल अभिनेत्री रही, शोहरत के शीर्ष मुकाम तक पहुंची, लेकिन उनकी निजी जिंदगी दुखों से भरी रही। कहा जाता है कि परवीन बॉबी पैरानॉइड, सिज़ोफ्रेनिया जैसे गंभीर मानसिक रोग के शिकार हो गई थी। हालांकि परवीन ने खुद कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया था। परवीन ने कभी शादी नहीं की, बॉलीवुड में उनके अफेयर जरूर रहे। डेनी डेंजोंगपा, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ परवीन का नजदीकी रिश्ता रहा। इन अफेयर्स में से उनका सबसे चर्चित अफेयर था महेश भट्ट के साथ। यूं तो महेश भट्ट अपने और परवीन बॉबी के रिश्ते पर अर्थ और वो लम्हे जैसी दो फिल्में बना चुके हैं, फिर भी परवीन बॉबी के साथ महेश भट्ट के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़े कुछ किस्से हैं जो आज भी गाहे बगाहे लोगों को याद आ जाते हैं। ऐसे किस्सों में एक किस्सा है वो जब परवीन बॉबी सुध-बुध खोए बिना कपड़ों के ही महेश भट्ट के पीछे भाग गई थी। बाद में अपने एक इंटरव्यू में खुद महेश भट्ट ने भी उस रात का खुलासा किया था। महेश भट्ट और परवीन बॉबी का अफेयर साल 1977 में शुरू हुआ था। उस वक्त परवीन बॉबी इंडस्ट्री की टॉप स्टार बन चुकी थी, जबकि महेश भट्ट फिल्ममेकर के तौर पर सफलता पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। महेश भट्ट और परवीन का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला किया। महेश अपनी पत्नी लॉरेन ब्राइट और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन के फ्लैट में रहने लगे। महेश के मुताबिक मुंबई में वो बरसात की रात थी जब महेश और परवीन अपने बेडरूम में थे। उसी वक्त परवीन ने उन्हें अपने और यूजी के बीच में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था। परवीन की ये शर्त महेश भट्ट ने नहीं मानी। वो फौरन बिस्तर से खड़े हो गए और कपड़े पहने और बाहर निकल गए। वहीं परवीन भी समझ चुकी थी कि महेश अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। वो रोते हुए महेश भट्ट को रोकने के लिए उनके पीछे दौड़े, लेकिन महेश नहीं रुके। परवीन अपनी सुध-बुध इस कदर खो चुकी थी कि वो महेश के पीछे बिना कपड़ों के ही दौड़ पड़ी थी। उस दर्दनाक रात को याद कर महेश का दिल आज भी कांप जाता है। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा था वो परवीन बॉबी को रोकना चाहते थे, कहना चाहते थे कि इस तरह मेरे पीछे नहीं भागो, लेकिन वो ऐसा नहीं कह पाए। महेश भट्ट पर अक्सर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने परवीन का इस्तेमाल बॉलीवुड में शोहरत पाने के लिए किया था और जब परवीन को उनकी जरूरत थी तब उन्हें अकेला छोड़ दिया। आपको बता दें, जिस यूजी को छोड़ने की शर्त परवीन ने महेश भट्ट के सामने रखी थी वो असल में उनके दोस्त, फिलोसफर और गाइड यूजी कृष्णमूर्ति थे। जब परवीन का मानसिक रोग हद से ज्यादा बढ़ गया था तब यूजी ने ही महेश भट्ट को सलाह दी थी कि वो परवीन को उनके हाल पर छोड़ दे। बाद में परवीन यूजी को भी अपना दुश्मन मानने लगी थी। परवीन बॉबी को गुजरे 16 साल हो गए हैं। 20 जनवरी 2005 को परवीन बॉबी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। पुलिस को परवीन बॉबी का शव उनके फ्लैट से 22 जनवरी को बरामद हुआ था। कोई नहीं जानता कि परवीन ने आत्महत्या की या फिर डायबिटीज और ऑर्गन फेलियर के चलते उनकी मौत हुई। परवीन की मौत आज भी एक पहेली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।